सो है गाइस, तो लास्ट लेक्चर में आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था कि ये सर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, सर आप उसे सॉल्व करके बता दीजिए। तो यहाँ पे जो लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को होमवर्क में प्रॉब्लम में दी थी, तो ये यहाँ पर आपको सॉल्व करना है किस तरह से। तो ये था ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन था। बहुत बच्चों को मैसेज आ रहा है लगातार कि सर ये वाले जो लास्ट वाले प्रॉब्लम थी आपने हमें समझाया था वो हमारे समझ में नहीं आ रहा है, हम इसे सॉल्व नहीं कर पाए। तो मैं इसे एक एक करके सारी चीज़ें समझा देता हूँ, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मतलब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर चलो सबसे पहले आपको बताया था मैंने यहाँ पर कि आपको प्रायोरिटी बेस समझना है। प्रायोरिटी बेस का मतलब मैंने आपको बताया एक चीज़, एक मिनट माइक लगा। प्रायोरिटी बेस का मतलब मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे प्रायोरिटी का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि ये किस किस के कौन से ऑपरेटर की वैल्यू सबसे अधिक है, प्रायोरिटी जिसकी हाईएस्ट सबसे पहले वो सॉल्व होगा। यहाँ पे चीज़ों को कुछ इस तरह से रिलेट करना है कि जो यहाँ पे ऑपरेटर लगा है, मान लो प्लस लगा है, और यहाँ पे इसके साथ ऑपरेंट लगा है 6, ये 7, और यहाँ पर लग गया मल्टीप्लाई, और यहाँ पर लग गया 2। यहाँ पर ये वाला ऑपरेंट किसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा या फिर इसके साथ जाएगा, इस वाले ऑपरेटर के साथ, ये मैटर करता है। यही होती है प्रायोरिटी, क्या होती है, यही होती है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी तो यहाँ पे, यहाँ पर वही चीज़ रिलेट करो। यहाँ पे अगर प्रायोरिटी की बात करें तो यहाँ पे प्रायोरिटी और लगा है और यहाँ पे एंड लगा है, और हमें पता है कि एंड ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे अधिक है। तो अगर एंड ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे अधिक है तो ये वाला प्रिंट है तो किसके साथ जाएगा, एंड के साथ जाएगा। सेम है एंड इसके जैसा, 7 किसके साथ गया, यहाँ पे जो इसकी प्रायोरिटी अधिक मल्टीप्लाई की तो उसके साथ चला गया। तो ये वाला जो ऑपरेंट है किसके साथ चलेगा यहाँ पे, इसका मतलब क्या, जो यहाँ पे पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगेगा तो किसके साथ लगेगा, इसके साथ लगेगा। लेकिन यहाँ पे हमारा जो और ऑपरेटर है वो क्या कहता है, ये चीज़ तो इसके साथ कंबाइन हो गया लेकिन यहाँ पे बचा हमारा और ऑपरेटर। तो यहाँ पे ये वाला प्रिंटफ क्या कहता है, यहाँ पे चीज़ें समझो। सबसे पहले यहाँ पे प्रिंटफ क्या करेगा, प्रिंट करेगा वैल्यू कौन सी, हेलो की। तो हेलो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर रखा है, तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, प्रिंट होगा यहाँ पे सबसे पहले हेलो, उसके बाद इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 5 है, इसका मतलब क्या है, 5 है तो इसका मतलब क्या है, 1, और 1 के आगे और लगा है, और यहाँ पे वैल्यू चाहे कुछ भी हो, मैंने आपको बताया अगर और की वैल्यू एक भी हाई हो जाती है, अगर ए की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू कंपेयर करते हैं, अगर उन दोनों से एक भी वैल्यू हाई हो जाती है और के केस में, तो वहाँ पे नेक्स्ट वाली वैल्यू को चेक करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि अगर एक भी वैल्यू इसकी हाई होती है तो उसका आउटपुट भी ए और बी का हाई ही होगा। ये चीज़ मैंने आपको बताया, तो आगे वाली चीज़ को चेक करने की कोई नीड ही नहीं है भाई। तो यहाँ पे हेलो प्रिंट होगा, और उसके साथ अगर यहाँ पे आगे वाले वैल्यू को चेक करने की कोई नीड ही नहीं है, चाहे प्लस हो या फिर माइन जीरो हो, तो अगर यहाँ पे 1 के साथ 0 हो या फिर 1 के साथ और में 1 हो, इन दोनों का जो आउटपुट होगा दोनों का वो हमारा ट्रू ही होगा, 1 ही होगा। तो ये यहाँ पे जाएगा और प्रिंट हो जाएगा, मतलब ई पे वैल्यू साइन हो जाएगी, तो हेलो एंड 1 इसका आउटपुट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता। नेक्स्ट इससे से रिलेटेड प्रॉब्लम दूसरा देखो, जो यहाँ पे ऑपरेटर थोड़ा सा एक्सचेंज कर दिया मैंने, ये वाला ऑपरेटर यहाँ पे कर दिया और इसका ये वाला ऑपरेटर यहाँ पे कर दिया, उस केस पे देखो किस तरह से प्रॉब्लम ये वाली सॉल्व होगी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जनरली आपको मुश्किल से ही मिलेगा ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट, समझ पा रहे हैं ना इस चीज़ों को। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ लेते हैं तो मोस्टली बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को इस तरह से जो बिल्डिंग है उसे समझ लेंगे, है ना, प्रॉब्लम जो भी उन्हें समझ लेंगे। इस केस में देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया किसकी प्रायोरिटी अधिक है, एंड ऑपरेटर की प्रायोरिटी अधिक है, फिर किसकी प्रायोरिटी अधिक है, और ऑपरेटर की प्रायोरिटी अधिक है। तो सबसे पहले एंड की अधिक है, इसका मतलब क्या है, जो ये वाला ऑपरेंट है वो किसके साथ चला जाएगा, एंड के साथ, एंड के साथ चला गया तो मतलब इसका पैरेंथेसाइज हो जाएगा इसका। तो सबसे पहले यहाँ पे जब अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जो प्रिंट होगा, प्रिंट एफ सबसे पहले लगा है, और प्रिंट एफ के अंदर डबल कोट्स में क्या लिखा है, हेलो, तो यहाँ पे लिखा है हेलो। ठीक है, तब हेलो है इसमें जो कैरेक्टर हो गया 1 2 3 4 5 5 हो गया। ठीक है, मतलब सिंबल इसके कितने, 5। अब यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा है, आगे चेक किया, प्रिंट एफ टिक, एच टिस टिक प्रिंट कर दो भाई। अब यहाँ पे 1 2 3 4, क्या ये दोनों हाई हैं, हाँ दोनों हाई, दोनों हाई केस में आउटपुट हमारा हाई आएगा। अब हाई इस पूरे की वैल्यू हो गई हाई, और यहाँ पे लिखा है और ऑपरेटर, और ऑपरेटर पे यहाँ पे वैल्यू कुछ भी हो उससे हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हाई है। अच्छा, यहाँ पे और गेट लगा है तो यहाँ पे वैल्यू हाई हो या फिर लो हो वो हमारे लिए कोई मैटर करता ही नहीं,
क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें पहले ही मिल गई हाई। और के केस में अगर ए की वैल्यू हाई हो जाती है तो आउटपुट हाई रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे जीरो हो या फिर वन और वन हो, दोनों का आउटपुट क्या होता है, वन। तो इस केस में वन यहाँ पे आ जाएगा ए के पास और यहाँ पे वन लग जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है भाई, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसी और भी किसी प्रॉब्लम आपको सॉल्व होती है तो डायरेक्ट आप टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो सारी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करके छोटा सा वीडियो बनाकर सॉल्व करके आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें किस तरह सॉल्व होती होगी तो आप लोग इसे रिलेट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे किसी और लेक्चर में क्या आने वाले लेक्चर में, और तब तक आप लोग हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।